आप सबको जय मसीह की। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। ये होली वीक कहलाता है, पैशन वीक भी लोग इसे जानते हैं। ये पूरा हफ्ता, जैसे हमने संडे को देखा था प्रचार में, कि होसैना के नारे लगाते हुए लोगों ने यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत किया। सो वहाँ, यानी पाम संडे को जब यीशु मसीह यरूशलेम में आता है, तब से लेकर उसके जी उठने तक की जो सारी घटनाएं हैं, ये एक 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 दिन करके इस पूरे हफ्ते चलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग सिलसिलेवार, यू नो, सीक्वेंस में हर दिन देखते चलें कि बाइबल में यीशु मसीह के टाइम पे हर दिन क्या हुआ था। हमने संडे को देखा क्या हुआ था संडे को, कि लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया था होसन्ना के नारे लगाते हुए यरूशलेम में। उसके बाद मंडे को क्या हुआ था। आज मंडे है, तो आइए देखते हैं कि मंडे को क्या हुआ था। आज के दिन बहुत सारी घटनाएं उस दिन घटी। यीशु मसीह जो था वो बैथनी के लिए चला गया था, और वहां पर ये भी हुआ था कि यीशु मसीह ने जो फिग ट्री था, है ना, उसका जो पेड़ था फिक का, उसको उसने कर्ज किया था, वो सूख गया था। फिर हमने देखा था कि यरूशलेम में फिक ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में। फिर उसके बाद में हम देखते हैं लुका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में, जो हमने पहले भी देखा था। वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आने के बाद में मंदिर में जाता है और मंदिर की सफाई करता है। वहां पर यीशु मसीह नाराज हो जाता है और वहां पर लोगों के वो जो जो वहां पर उनके जो काम वो कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, वो चीजों को वो वहां से तोड़ता है और हटाता है। और हम देखते हैं कि लुका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 45 पद में वो हमें देखने को मिलता है। आइए देखें वहां पर एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। लुका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 45 पद में यहां लिखा हुआ है, When Jesus entered the temple court, he began to drive out those who were selling. जब यीशु मसीह मंदिर के आंगन में गया तो उसने उन लोगों को जो वहां पर बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उन लोगों को वहां से उसने हटाना शुरू करा। उसने कहा 46 वर्स, इट इज रिटन, ही सेड टू देम, ऐसा लिखा हुआ है, उसने लोगों को कहा, माय हाउस शैल बी अ हाउस ऑफ प्रेयर, कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, बट यू हैव मेड इट अ डेन रॉबर्स, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बना के रख दिया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पर नाराज होता है, उन लोगों को हटाता है। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, हम लोग उससे क्या लेसन ले सकते हैं, हमारे लिए इसमें क्या है। अगर आपको याद है तो पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय और 19 पद में एक वचन है जो अक्सर हम लोग कोट करते हैं, डू यू नॉट नो, पॉलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू, whom you have received from God, you are not your own. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चीज को हम लोग रिलेट करके आराम से देख सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह जब उस समय यरूशलेम के मंदिर में आया, वो नाराज हुआ और उसने लोगों को वहां से निकाला और उसने उन बातों को मंदिर में से, उन चीजों को मंदिर में से हटाया जो चीजें मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी, जो चीजें मंदिर के लिए नहीं थी। जिस पर्पस के लिए मंदिर था, जिस उद्देश्य के लिए मंदिर फर्स्ट प्लेस पे बनाया गया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। लोग अपने ही उद्देश्य पूरे कर रहे थे और इस कारण से यीशु मसीह नाराज हुआ, क्योंकि वो जो वहां पर हो रहा था, उन सारी बातों से पिता को महिमा नहीं मिल रही थी, उन सारी बातों से वो जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा था। मेरे चीजों, उसी प्रकार से बाइबल, जैसे पहला कुरिन्थियों में पढ़ा, पौलुस कहता है कि आपका और मेरा शरीर भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। जरा सोचिए कि आज आपको और मुझे, हमें अपने शरीर में, हमें अपने आत्मिक जीवन में किन किन चीजों की सफाई करने की जरूरत है। यू नो, हमें बहुत सारी सफाई करने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है कि इन दिनों जब लॉकडाउन है, लोग काम पे भी नहीं जा रहे हैं, आप घर पे हैं और आपके पास काफी टाइम है, जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, कहें प्रभु मुझे दिखा कि मेरे इस मंदिर में वो कौन सी चीजें हैं, मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में, मेरे जीवन में वो कौन सी चीजें हैं जो कि तुझे महिमा नहीं दे रही हैं, जो कि तेरे उद्देश्य, तेरे पर्पस के हिसाब से नहीं है। लॉर्ड
प्रभु होने दे कि इन दिनों में तू उन चीजों को मेरे अंदर से साफ करे, होने दे मेरी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी बने जिससे परमेश्वर खुश होए, मेरी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी बने जो उस उद्देश्य से उस पर्पस के हिसाब से जीने पाए जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। मेरे अजीजों, देयर इज नथिंग टू ब्यूटीफुल, देयर इज नथिंग अमेजिंग, इससे बढ़िया और कोई अद्भुत बात हो नहीं सकती कि हम लोग उस उद्देश्य से जिए, दैट वी विल स्टार्ट लिविंग अकॉर्डिंग टू द पर्पस व्हाट गॉड हैज इंटेंडेड फॉर अस, व्हाट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर अस, व्हाट गॉड हैज डिजायर्ड फॉर आवर लाइफ। मेरी यही प्रार्थना है कि जब आप इसे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे उन चीजों को आपकी जिंदगी से, उन चीजों को मेरी जिंदगी से हटाने के लिए जो कि परमेश्वर को महिमा नहीं देती हैं, उन चीजों को मुझसे दूर करने के लिए जो परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जिंदगी में करप्ट कर रही हैं। आई प्रे दैट मे द लॉर्ड हेल्प यू, मे द होली स्पिरिट हेल्प यू टू सी दोज एरियाज इन योर लाइफ, दैट यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज। और जब आप काम करेंगे उन एरियाज पे पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रभु आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी जिंदगी वैसी बन जाएगी जैसा परमेश्वर आपको देखना चाहता है, जैसा परमेश्वर ने आपके लिए चाहा है। आमीन। तो मेरी यही प्रार्थना है, जैसा बुधवार जो सोमवार के दिन है, मंडे के दिन बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में कि यीशु मसीह यरूशलेम में आने के बाद में मंदिर में गया और मंदिर में जाकर उसने उन व्यापारियों को जो वहां पर वो काम कर रहे थे जिस काम के लिए मंदिर बनाया ही नहीं गया था, उसने उनको हटाया वहां से, दूर किया और कहा कि मेरे क्या ये लिखा नहीं है कि मेरे पिता का जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम सब के जीवन में ऐसा ही काम करे, उन बातों को हमारे जीवन से हटाए जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, उन गंदगियों को, उन छोटी छोटी बातों को जो छिपी हुई हमसे दूर करे। आमीन। आइए हम जल्दी से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक उस भाई बहन के लिए जिसे सुन रहा है, अपने आप के लिए भी खुदावंद, हम सब के जीवनों को प्रभु आपकी जरूरत है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे जीवनों को तू खुशहाल कर खुदावन, और ना सिर्फ खुशहाल कर खुदावन लेकिन हर एक उस बात को जो तेरी ओर से नहीं है खुदावन, जो शैतानी बात है खुदावन, या हर एक वो बात खुदावन जो तुझे महिमा नहीं देती है या उस पर्पस उस उद्देश्य के खिलाफ है जो तूने हमारे रखा है खुदावन, हम दुआ करते हैं कि उन बातों को तू हमारी जिंदगी से निकाल, सिर्फ वही बातें हमारे अंदर पाई जाएं जो तुझे महिमा देती हैं, सिर्फ वही बातें हमारे अंदर पाई जाएं जिससे प्रभु आपके नाम को जलाल मिलता हो, जो आपके पर्पस और आपके उद्देश्य के हिसाब से हो। एक बार फिर से प्रभु मैं अपनी जिंदगी को और जितने भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं मैं सबकी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।